अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट। 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है और साथ मैंने लिया है दही। तकरीबन मैंने 1 पाव से ऊपर है ये दही वो लिया है। काली मिर्चें ली हैं, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। पीसी हुई मिर्च 1/2 चम्मच ली है। चुटकी ली है मैंने अजवाइन 1/2 चम्मच मैंने ली है। नमक और 1/2 चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। ये सारा मैं अब इस दही में डालूंगी। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन मसाला। और इसको भी मैं सारा मिक्स करूंगी। ये मैंने सारी रात को इसमें दही में करके रखा हुआ था मसालों के साथ। और अब मैं इसको इसमें डाल के थोड़ी देर स्टीम लगाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जब हम स्टीम लगाएंगे तो इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ यही बस दही वाला वो जिसमें हमने किया हुआ था सारी रात डीप उस मसाले के साथ। इसमें कोई पानी कोई कुछ नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने कुकर की स्टीम खोल ली है और ये अब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी गई होंगी थोड़ी थोड़ी। और अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो ये देखिए अब मैं ये बारी बारी करके ऑयल में डालने लगी हूँ। मैंने ऑयल में डाला है, ऑयल गर्म हो चुका था और इसमें मैंने ये डाल दी है चिकन। और ये आहिस्ता आहिस्ता अब बन ब्रोस्ट होती जाएंगी। तो ये देखिए हल्की हल्की ये ब्राउन होना शुरू हो गई है। और अब इनकी मैं सबकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और अब मैं इन्हें आहिस्ता आहिस्ता निकाल लूँगी। बहुत मज़े के बने हैं ये। आज मैं सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने स्कूल लेके जाना है तो कह रही थी मामा मेरे लिए बना देना, तो इसलिए मैंने बना दिए। तो ये देखें जी मेरा रोस्टेड चिकन बन के तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी बना है। जितने भी नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।